हेलो दोस्तों, आज हम फ्रॉक सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो पहले हम इसमें शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर मैंने 6 इंच रखा है। 6 इंच पर इसके आर्म होल का निशान लगा देंगे। ये हमारा आर्म होल का शेप बनकर तैयार हो गया। अब इसे हम राउंड शेप देते हुए इस तरह से कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट आर्म होल का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। अब आएंगे हम नेक पर। तो यहाँ पर मैं गोल शेप बना रही हूँ, तो 2.5 इंच पर निशान लगाया और 2.5 इंच पर हम इस पर लेंथ लेंगे और इस तरह से यहाँ से भी 2.5 इंच लेंगे और इसे हम इस तरह से राउंड से देते हुए गोल कर देंगे। तो ये हमारा कॉलर का हो गया। यहाँ से हम 1/2 इंच इस तरह से डाउन करेंगे नीचे तरफ, चेस्ट पाएंगे। तो ये चौथाई हिस्सा मैंने इसमें 6 इंच रखा है और कमर 20 है तो 5 रख लेंगे और इसे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा फिटिंग का हो गया। और यहाँ से हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। कपड़े पे तो हम अपने इच्छा अनुसार ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये परफेक्ट हो गया। अब आएंगे हम कटिंग पर। पहले हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से हम शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो मैं इसे कॉलर वाला बना रही हूँ। तो यहाँ से इस तरह से राउंड शेप देते हुए मैंने इस तरह से गोल कर काट दिया और यहाँ से मैं इसे खुला शेप बनाऊंगी, जो कि मैं यहाँ से पट्टी ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये हमारा 2 पीस तैयार हो गए फ्रंट के। इस तरह से यहाँ से हम पट्टी लगाएंगे। तो ये तो हमारा टॉप हो गया ऊपर का। अब आएंगे हम नीचे का। ऐसे ही हमें कपड़े पे काटना है, अपनी लेंथ के अनुसार काटना है हमें इसमें। इसके मैंने 2 पीस कर दिए। लेंथ के अनुसार चौड़ाई और लंबाई कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया। और क्या करेंगे हम यहाँ पे पट्टी ज्वाइन करेंगे। पहले तो हम इसमें चुन्नट डालेंगे इस तरह से। इस तरह से डालने के बाद दोनों तरफ फिर हम इसमें पट्टी ज्वाइन करेंगे नीचे से ऊपर तक, गले से यहाँ तक लगाएंगे पट्टी। दोनों तरफ हमें ऐसे ही करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे बनने के बाद सिर्फ कुछ इस तरह से आएगा कपड़े पर। यहाँ से यहाँ तक हमें पट्टी ज्वाइन करनी है एक लंबी सी। तो इसके ऊपर हम अपने फैंसी टाइप बटन भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। अपने लेंथ के अनुसार बनाना है इसे।